Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने इस कोर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ और आज अपने इस सत्र में जो तीसरा सत्र है जिसका टाइटल है साइकोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट टू और इसमें जो हमने पिछले सत्र में जो चर्चाएं की थी जो हमने वहां पर समझने का प्रयास किया था उसी चर्चा को हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसी को हम यहाँ पुनः वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ हमने अपने पिछले सत्र में छोड़ा था और पिछले सत्र में हमने चर्चा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो ऑर्गेनाइजेशंस में यानी संस्थाओं में चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई एंटरप्राइज हो इस तरह के जितने भी जहाँ पर लोग कार्य करते हैं उनको वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता है इस तरह के जितने भी सेटअप हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको हम सेलेक्शन एक्टिविटी या चयन प्रक्रिया भी कहते हैं उसके बारे में हमने पिछले अपने सत्र में एक विस्तृत चर्चा की और उससे जुड़े हुए बहुत से प्रमुख जो चरण हैं जो स्तर हैं उनको हमने समझने का प्रयास किया और उसी क्रम में हम आगे इस बातचीत को बढ़ाएंगे और साथ ही अब ये प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो चयन प्रक्रिया है उसके जो आगे के चरण हैं वो कैसे हैं किस प्रकार हैं और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए इसके बाद हमने अपने पिछले सत्र में जो चर्चा समाप्त की थी साक्षात्कार के साथ यानी साक्षात्कार के दौरान किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए कौन कौन सी बातों का वहाँ पर उनके उससे साक्षात्कार पे प्रभाव पड़ सकता है और उनसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम साक्षात्कार के दौरान इस तरह की जितने भी फैक्टर्स हैं यानी इस तरह के जितने भी कारक हैं जिससे हमारे साक्षात्कार पर प्रभाव पड़ सकता है और चूंकि ये साक्षात्कार कहीं ना कहीं आगे चल के चयन की जो प्रक्रिया है यानी जो सेलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयिज़ या पर्सनल है उसको प्रभावित कर सकता है हमारे डिसीजन को यानी जो चयन की पूरी प्रक्रिया है उसमें कौन चयनित होगा किस कैंडिडेट को उसमें प्रेफर किया जाएगा जहाँ पर इतनी सारी बातों का ध्यान रखा जाना है वहाँ पर एक इंटरव्यू में अगर इस बायसनेस या इस प्रकार के कोई भी इश्यूज होंगे तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अब इसके साथ चयन प्रक्रिया में जो आगे की जो बातचीत है वो उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो है कि जो कैंडिडेट्स वहाँ पर उपस्थित हैं या जो उस जॉब के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है या जो भी अभ्यर्थी हैं जो इच्छुक हैं उस जॉब को करने के लिए उनके सामने एक रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू प्रस्तुत होना चाहिए और इसका अर्थ ये है कि जब भी किसी कैंडिडेट को कोई भी जॉब उसके सामने ऑफर आता है यानी कि चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू या चाहे वो उसको इसके बारे में किसी और से पता चले किसी माध्यम से तो जब भी वो इस तरह के जॉब्स के बारे में किसी को पता चलता है तो उसको उस जॉब से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको ये लगता है कि इस जॉब को करने के साथ ही साथ उसको कुछ फ़ायदे होंगे कुछ उससे जुड़े हुए उसको कुछ इंटरेस्ट एरिया में उसको काम करने का मौका मिलेगा या इस तरह के कुछ एक अपनी हर व्यक्ति की एक अवधारणा होती है जो उसको कहीं कही ना कहीं उस जॉब के प्रति उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का बाद में उससे फैक्टर डिसाइड होता है कि वो व्यक्ति उस जॉब को पसंद करेगा या नहीं करेगा तो जॉब से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो उस व्यक्ति के पास सही तरीके से पहुंचनी चाहिए यानी कि जो उस जॉब की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि उस जॉब में क्या किया जाना है किस प्रकार किया जाना है कहाँ किया जाना है इस तरह की जो बेसिक डिटेल्स हैं जो जिसको हम प्रीव्यू बोलते हैं यानी किसी भी कार्य का पूर्व दर्शन कि उसके बारे में पूर्व में उसके पास जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि कैंडिडेट्स अगर इस तरह की जानकारी उनके पास नहीं होगी तो इसका बहुत बड़ा एक कारण ये होगा आगे चल कर के कि उन कैंडिडेट्स को इस तरह के जॉब से जिसके बारे में उन्हें पहले से पूरी जानकारी नहीं होगी तो ऐसे जॉब्स में आने के बाद उन्हें उस जॉब से उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा या उससे उनका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा और इस कारण से जो आगे आने वाले समय में इसकी वजह से जो एबसेंटिज़म और टर्नओवर यानी ये जो दो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं अगर कैंडिडेट को रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू नहीं दिया गया है या उसे जॉब की रियलिटीज़ के साथ अवगत नहीं कराया गया है तो ऐसा हो सकता है जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर जॉब में अगर आपको ये बताया जाए कि ये जॉब बहुत ही बढ़िया जॉब है क्योंकि इसमें आपको हमेशा नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आपको नए नए यूनिक चैलेंजेस फेस करने का मौका मिलेगा और यहाँ पर आप अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि सूचना को इस प्रकार से कभी किसी जॉब के एडवर्टीज़मेंट में अगर इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया हो तो कोई भी अभ्यर्थी उसे लगेगा कि ये जॉब वाकई बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है और इसमें उसको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे जिससे उसको कार्य करने में बहुत अधिक मज़ा आएगा तो इस प्रकार की एक उसकी इसके साथ एक कह सकते हैं अवधारणा बन जाएगी लेकिन अगर जॉब में जाने के बाद वो व्यक्ति इस तरह की सिचुएशंस उसको नहीं मिलती तो वो कही न कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील करेगा उसे लगेगा कि जो सूचनाएं मेरे पास पूर्व में थी कहीं ना कहीं वो गलत सूचनाएं थी और जो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था जो मेरी उम्मीद थी ये जॉब वैसा नहीं है तो इस वजह से आगे चल कर के जो कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं उनकी एक अरुचि सी हो जाती है इस प्रकार के जॉब से और आगे चल के इस तरह के जो जो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं टर्नओवर को बढ़ाती हैं और टर्नओवर जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू जो है वो रिड्यूस करता है टर्न को और टर्न हम उस कंडीशन को कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी जॉब को ज्वाइन करता है या कोई व्यक्ति कोई एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसके बाद जब वो छोड़कर चला जाता है यानी वो वहाँ से रिज़ाइन देकर या क्विट करके या किन्नी भी कारणों से जब वो उस जॉब को छोड़ देता है तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं टर्न यानी कि वो व्यक्ति उस संस्था को छोड़ करके चला गया तो ये किसी भी संस्था के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती और इसका प्रमुख कारण ये है कि संस्थाएं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत खर्चे करती हैं और वो खर्चे उनकी सैलरी और उनकी तमाम आ, उनकी जो कंपनसेशन पैकेज है उसके अलावा भी वो ऑर्गेनाइजेशंस उनको ट्रेन करने में उनको उस कार्य में कार्य से अवगत कराने से ले करके उनको ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में उनको एक्सपीरियंस अनुभव दिलाने से ले करके उनको एक कुल मिला कर के वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट के तौर पे उसको तैयार करते हैं एम्प्लॉय को और ऐसी कंडीशन में जब भी कोई एम्प्लॉयी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा लॉस होता है क्योंकि न सिर्फ एक अनुभवी एक स्किल्ड एक अच्छा उसका एम्प्लॉय चला गया बल्कि अब जो आने वाले एम्प्लॉय होंगे उनको फिर से पुनः ट्रेन करने का खर्चा उनको आ, उनको दोबारा से वो अनुभव दिलाने का खर्चा और इस प्रकार से उनको दोबारा से ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में उनको इस्टेब्लिश करने का जो पूरा प्रोसेस है वो फिर से शुरू करना पड़ेगा और वो पूरा खर्चा जो है तो फिर से वहन करना पड़ेगा तो इस कारण से ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए ये लाभप्रद नहीं होता कि उसके एम्प्लॉयज़ उसको छोड़ करके जाएँ और कहीं और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें तो इस प्रकार की जब रियलिस्टिक जॉब प्रिव्यू दिए जाते हैं जहाँ कैंडिडेट्स को एग्जैक्टली exactly ये पता होता है कि वो क्या कार्य करने के लिए यहाँ पर उनका चयन हुआ है क्या उनको उनकी जिम्मेदारियाँ हैं इस जॉब से वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखें तो जब इस प्रकार की जब उनके पास रियल इन्फॉर्मेशन होती है तो कैंडिडेट्स जो हैं उनको जो छोड़ के जाने की जो उनका रेशियो है या जो उनकी जो कह सकते हैं परसेंटेज है उसमें काफ़ी गिरावट देखी गई है इसके साथ ही साथ जब कैंडिडेट्स को रियलिस्टिक जॉब प्रिव्यू दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में केवल कमिटेड एम्प्लॉयज या केवल कमिटेड जो कैंडिडेट्स हैं वही वहाँ पर उपस्थित होते हैं या वही उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या उस जॉब को पाने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे अगर हम रियलिस्टिक जॉब प्रिव्यू देंगे या इस प्रकार की जब व्यवस्था होगी तो जो कैंडिडेट्स जो अभ्यर्थी प्रस्तुत होंगे उस चयन प्रक्रिया में वो सभी कही न कहीं ना कहीं हाईली कमिटेड होंगे उस जॉब को करने के लिए इसके बाद जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो कैंडिडेट को फाइनली एक कंडीशनल जॉब ऑफर प्रदान किया जाता है यानी कि ये जो प्रस्ताव उसको दिया जाता है नियुक्ति का ये अभी भी औपबंधिक होता है यानी ये फाइनल प्रस्ताव नहीं है और यहाँ पर उस कैंडिडेट को एक टेंटेटिव जॉब ऑफ़र प्रदान किया जाता है और ये कुछ आगे चल के कुछ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनके पूर्ण होने के बाद इस कैंडिडेट को फाइनली ये जो कंडीशनल जॉब ऑफ़र है इसको फाइनली परमानेंट जॉब ऑफर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पर वो कौन सी जो प्रक्रियाएं हैं या कंडीशंस हैं जिनका इसके बाद भी उस कैंडिडेट को उससे गुजरना पड़ता है एक फाइनल ऑफ़र प्राप्त करने के लिए उसमें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो भी अभी तक सूचनाएं प्रदान की गई हैं चाहे वो उसके शैक्षणिक स्तर से लेकर के चाहे वो उसके अनुभव से संबंधित हों चाहे वो इसके स्किल सेट से संबंधित हों या उसके द्वारा जो भी जो उसके एज से रिलेटेड उसके बैकग्राउंड यानी उसके ओवरऑल जो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड या वगैरह इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित जो भी सूचनाएं उस व्यक्ति ने दी हैं उनका सत्यापन करना बहुत आवश्यक होता है और इसकी जो प्रमुख जो जो जिनको सत्यापन किया जाता है जिन सूचनाओं को उसमें एक प्रमुख माध्यम है उसके रेफरेंसेस का सत्यापन करना यानी व्यक्ति ने जिसको कहा है कि ये इसने ये हमारा रेफरेंस हमारा हमारे पास इनका रेफरेंस है उनको दोबारा से उनसे पूछना बनता है कि क्या वाकई में आपने इस व्यक्ति को यहाँ पे जॉब के लिए रेफर किया है तो ऐसे में उस व्यक्ति यानी उस कैंडिडेट की सत्यापन हम कर सकते हैं उसके रेफरेंसेस को चेक करके जिसका कि जिसके रेफरेंसेस के आधार पर वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा है उस चयन प्रक्रिया में शामिल हुआ है उन रेफरेंसेस को हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं उसके बाद उस व्यक्ति की पूर्व संस्था जहाँ पर उसने कार्य किया हो जहाँ पर उसने समय गुजारा है उसने वहाँ पर उसका एम्प्लॉयमेंट था उस जगह से उस संस्था से उसकी पूर्व संस्था से उस व्यक्ति के बारे में उस एम्प्लॉय के बारे में उसकी जानकारी वहाँ से निकालना कि किस प्रकार का उसका वहाँ बिहेवियर था उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी या उसने वहाँ पर किस प्रकार से कोई ऐसा गलत एक्टिविटी या किसी और हम कह सकते हैं इमोरल बिहेवियर में तो वहाँ एंगेज नहीं था तो इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं उनको वहाँ से निकाला जाता है इस प्रकार के बैकग्राउंड चेक में इसके बाद व्यक्ति ने जो भी अपनी एजुकेशनल एकम्प्लिशमेंट्स बताई हैं यानी उसकी जितनी भी शैक्षणिक उपलब्धियाँ हैं जैसे उसने कोई डिग्री प्राप्त की है उसने कोई डिप्लोमा प्राप्त किया है या उसने किसी भी प्रकार की कोई भी क्वालिफिकेशन जो क्लेम की है जो उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है क्या वो सभी जो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो वाकई में वो उस व्यक्ति ने उनको अर्जित किया है या नहीं किया है क्या वहीं से अर्जित किया है जहाँ से उसने लिखा है या केवल उसने फॉर्म में झूठी सूचनाएँ दे दी हैं उस जॉब को प्राप्त करने के लिए तो इस प्रकार के जो बैकग्राउंड चेक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बैकग्राउंड चेक का जो इम्पॉर्टेंट जो जिसके बारे में बैकग्राउंड चेक किया जाता है वो होता है उस व्यक्ति का यानी उस कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर कहीं कोई लीगल केस पेंडिंग तो नहीं है या उसने पूर्व में कहीं किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में उसकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी क्योंकि अक्सर ऐसे जॉब्स होते हैं जहां पर हम और इनफैक्ट सारे ही जॉब्स में कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऐसे व्यक्ति को हायर नहीं करना चाहते जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो जिन्होंने पहले से कभी किसी गलत कार्य को उसमें उनकी संलिप्तता रही हो या इस प्रकार से उनके ऊपर भरोसा आगे करना मुश्किल होता है जो ऐसे लोग होते हैं जिनका पीछे कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो या उन्होंने किसी तरह की कोई गलत एंटी सोशल एक्टिविटी में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा हो तो इस तरह के लोगों को अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस हायर करना नहीं चाहती हैं तो ऐसे में ये बैकग्राउंड चेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि हम एक ऐसे अभ्यर्थी का एक ऐसे कैंडिडेट का चयन कर सकें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए न सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस करे बल्कि वो आगे आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन को कभी कोई किसी तरह का नुकसान भी ना पहुंचाए। इसके साथ ही साथ एक और जो इस चयन की प्रक्रिया में जो एक और स्टेज है वो है जहाँ पर व्यक्ति का जो अभ्यर्थी है उसका मेडिकल या फिजिकल जैसी भी रिक्वायरमेंट हो वैसा उसका परीक्षण किया जाना और ये परीक्षण बहुत हद तक इसको इस प्रकार से किया जाता है कि यदि कुछ ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पर शारीरिक क्षमता की बहुत आवश्यकता हो या यूँ कह लीजिए कि जहाँ पर शारीरिक क्षमता की इम्पॉर्टेंस है जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई पुलिस की जॉब में जाना चाहता है या कोई आर्मी की जॉब में जाना चाहता है या कोई फायर फाइटर बनना चाहता है या कोई व्यक्ति किसी एमरजेंसी सर्विस में जैसे हॉस्पिटल की अगर हम बात करें हेल्थ सर्विसेज की बात करें वहाँ पर अगर वो कोई जॉब लेना चाहता है तो ऐसी जो बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर कुछ फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए यानी कि उसके अंदर कुछ शारीरिक क्षमताएँ मौजूद होनी चाहिए जिससे वो उस कार्य को अच्छे से पूरा कर सके तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति का जो फिज़िकल कह सकते हैं परीक्षण है या उसकी जो क्षमताएं हैं उनको उनका आंकलन बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो उसके आधार पर ही ये पता चलेगा कि वो व्यक्ति वो कैंडिडेट फ्यूचर में अपने उस जॉब को कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएगा इसके साथ ही साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस को भी चेक किया जाता है जिसमें ये देखना जिसमें ऑर्गेनाइजेशन्स ये देखना चाहती हैं जो भी नए व्यक्ति को हायर कर रही हैं कि क्या वो व्यक्ति मेडिकली फिट है और वो ऐसा तो नहीं कि आगे चल कर के उसको बहुत सारी शारीरिक समस्याएं आ जाएंगी जिसकी वजह से वो अपने कार्य को ठीक ढंग से पूरा ना कर पाए या फिर उसको बहुत ज़्यादा इसकी वजह से एबसेंटिज़्म हो यानी वो कार्य से अनुपस्थित रहे बहुत लंबी अवधि तक और इस प्रकार के बहुत सारे और जो उससे जुड़े हुए तथ्य हैं उनकी भी जाँच कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है तो ये जो मेडिकल और फिजिकल जो टेस्टिंग है या हम कह सकते हैं परीक्षण है इसकी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसकी भी जांच या इस तरह के जो टेस्ट हैं वो करवाते हैं कैंडिडेट्स को अपने यहाँ हायर करने से पहले और इन सभी प्रक्रियाओं के पूर्व पूर्ण होने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस कैंडिडेट को जो चयनित कैंडिडेट हैं जो इस स्टेज तक पहुँचे हैं उन्होंने जो सारे इसके पहले के चरण हैं उन सभी को उन्होंने कंप्लीट किया है सक्सेसफुली उनको एक फ़ाइनल जॉब ऑफ़र प्रदान करते हैं और इसके बाद ये फाइनल जॉब ऑफ़र जब कैंडिडेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो इसके बाद ये कैंडिडेट के ऊपर है कि वो इस फाइनल जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है या नहीं तो इस प्रकार से एक पूरी चयन प्रक्रिया की जाती है और इसमें ये सभी इन चरणों से गुजरते हुए एक कैंडिडेट का जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयुक्त हो उसका चयन किया जाता है और यहाँ पर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से यहाँ पर यह तात्पर्य है कि कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ हायर करना चाहती है तो वो अमूमन इस तरह की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा खर्च आता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो इस खर्च को बचा सके और कम से कम रिसोर्सेस खर्च करते हुए बेहतर से बेहतर कैंडिडेट या उस अपने लिए एम्प्लॉय का वो चयन कर सके हालांकि ये अक्सर देखा गया है कि जब शॉर्टकट मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं या जितने भी हमने चयन की प्रक्रिया में जितने भी चरण हैं जिनकी हमने अभी तक चर्चा की जब वो सारे चरण उनको फॉलो पूरी तरह से नहीं किया जाता तो ऐसे में अक्सर ये चांसेस रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस तरह से उपयुक्त नहीं होता तो ऐसे में एडवाइज़ ये किया जाता है या ये प्रिफर किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाना चाहिए चयन की प्रक्रिया में यानी कि जितने भी चरण हैं उनको पूर्णतया वहाँ पर लागू किया जाना चाहिए और हर कैंडिडेट को उस चरण से गुजारा जाना चाहिए ताकि हम एक बेहतर कैंडिडेट का चयन कर सकें हालांकि ये इसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनको चयन करने की जो प्रक्रिया है वो इतनी महंगी ना हो जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहन करना मुश्किल हो जाए तो इस प्रकार से एक बैलेंस भी बनाना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस चयन प्रक्रिया को इतना कमज़ोर भी ना कर दें या इतना उसको शॉर्ट भी ना बना दें कि वो जिन अभ्यर्थियों का चयन करें वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयुक्त ना हो एफिशिएंट ना हो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए और ना ही इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि कल को ऑर्गेनाइजेशन के अन्य कार्यों के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस कम पड़ जाएं तो इस प्रकार की एक बैलेंस की जरूरत होती है तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ये चयन प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार से किन किन चरणों का उपयोग होता है या किन किन चरणों से गुजरते हुए एक अभ्यर्थी का चयन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसमें कार्य करने के लिए किया जाता है अब हम अपने अगले टॉपिक पर जो कि ऑर्गेनाइजेशन का अगला महत्वपूर्ण भाग है जिसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे और वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी मानव संसाधन योजना हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी एक प्लानिंग होती है और इस प्लानिंग में मुख्यतः वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी भविष्य में जो आने वाली ज़रूरतें हैं या तत्काल की भी जो ज़रूरतें हैं और जो रिसोर्स यानी जो वर्क फोर्स उसको चाहिए वो किस मात्रा में चाहिए कैसी चाहिए इसके बारे में जब वो संस्था इस चीज़ को निर्धारित करने का प्रयास करती है तो इस तरह की जो का जो प्रयास है जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस ये डिटरमाइन करती हैं कि जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स नीड्स हैं वो क्या हैं आज और आने वाले समय में भी यानी कि प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी इन दोनों ही तरह की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का निर्धारण करना इसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सर्वप्रथम उन इस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में अपने ऑब्जेक्टिव को यानी जो उनका मिशन और जो उनका ऑब्जेक्टिव जिसको ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी कहा जाता है यानी कि संस्था का उद्देश्य क्या है किस उद्देश्य को लेकर के वो संस्था आगे जाना चाहती है या उसको उसकी जो विजन है जो स्टेटमेंट है उसकी मिशन स्टेटमेंट वो क्या है तो इस प्रकार से जो संस्थाएं हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को डिसाइड करने के बाद अपने मिशन स्टेटमेंट के आधार पर जब वो आगे बढ़ती हैं तो उसी के आधार पर ही वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को कि कैसी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको प्लान करती हैं इसलिए मिशन और ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को निर्धारित करना एक संस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है इसके बाद संस्था को ये निर्धारित करना होता है कि वो इस प्रकार के जो गोल्स उन्होंने अपने लिए सेट किए हैं यानी जो ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहते हैं वो उसको किस प्रकार से अचीव करेंगे उसके लिए उन्हें किन संसाधनों की आवश्यकता होगी किस प्रकार की वर्क वर्कफोर्स की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो ये सभी उनको वहाँ पर निर्धारित करना होता है और इसके साथ ही साथ जो प्रक्रिया अपनाएंगे वो यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वो करेंगे उसमें कौन व्यक्ति किस तरह का काम करेगा ये सब भी उनको वहाँ पर पहले से ही उसका स्ट्रक्चर तैयार करना होता है ताकि इस पर आधारित होकर के वो अपने आगे के कार्य करें जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी की कि जो चयन की प्रक्रिया है वहाँ पर उनको पहले से यदि ये नहीं पता रहेगा कि वो व्यक्ति से क्या कार्य कराना चाहते हैं और जो कार्य वो कराना चाहते हैं उसके लिए किस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसके पास कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए उसके अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए तो ये सभी जानकारियां पूर्व से ही ऑर्गेनाइजेशन को निर्धारित करनी पड़ती हैं और यहाँ पर जब हम बार बार ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस विभाग की तरफ इशारा करते हैं या उस विभाग की तरफ हम डायरेक्शन अपनी करते हैं जिसको अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के नाम से उसको जाना जाता है और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये बेसिक ड्यूटी है यानी कि ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि संस्था के लिए जो वर्कफोर्स है उसको मैनेज करना उसको सर्वप्रथम उसको रिक्रूट करना उसके बाद उनको मैनेज करना और उनका मोटिवेशन बनाए रखना और उनकी परफॉर्मेंस को समय समय पर उसका मूल्यांकन करना उसी पर आधारित होकर के उनकी जो सैलरी पैकेज या कॉम्पन्सेशन जो भी है उसका निर्धारण करना और एक ऐसा इन्वायरमेंट बना कर रखना ऑर्गेनाइजेशन में जिससे एम्प्लॉई जो हों वो सेटिस्फाइड हों और साथ ही साथ उनका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहे तो इस प्रकार की जो जो यहाँ पर हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को इसका ध्यान रखना चाहिए वो दरअसल ऑर्गेनाइजेशन का ये विभाग जिसका मुख्य कार्य यही है वो इस कार्य को पूर्ण करता है इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात का ध्यान रखती है कि जो कार्य है उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाए यानी कि हम जो कार्य करने के लिए जिस प्रकार के स्किल्स की आवश्यकता है ठीक वैसे ही स्किल्स वाले व्यक्ति को या वाले कैंडिडेट को हम अपनी संस्था में लेकर आए तो इसके लिए सर्वप्रथम एक जो बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है वो ये है कि जो संस्थाएं हैं वो सर्वप्रथम अपने यहाँ मौजूद जो वर्तमान मानव संसाधन उनके यहाँ और ऑलरेडी जो मौजूद हैं जो एग्जिस्ट करता है जो ऑलरेडी उनके एम्प्लॉई हैं उनका आकलन या उनका मूल्यांकन करना और ऐसे में उनके लिए उनके पास दो प्रमुख कार्य होते हैं पहला जिसको एच आर आई एस कहा जाता है एंड दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है एक ऐसा ये सिस्टम है जिसमें मौजूदा जो करंट ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का उससे जुड़ी हुई सभी सूचनाएं, उससे जुड़े हुए जितने भी डिटेल्स हैं वो सभी वो एच डिपार्टमेंट को इससे इसके द्वारा उपलब्ध होते हैं और ये जो सिस्टम है इससे एच डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद करंट जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके बारे में सभी प्रकार की डिटेल्स उसके बारे में उससे जुड़ी हुई जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशनस हैं वो सब उनके पास मौजूद होती है इसके साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जिसकी चर्चा और वो है सक्सेस सक्सेशन प्लानिंग यानी कि कौन व्यक्ति भविष्य में किस पद को वहाँ पर उस किस पद की वो जिम्मेदारी संभालेगा यानी कि आने वाले समय में जब कोई सीनियर पोजीशन से रिटायर होगा या हटेगा तो वहाँ पर उसके बाद कौन आएगा ये इस प्रकार की जो प्लानिंग है पूर्व से जो की जाती है उसको सक्सेशन प्लानिंग कहा जाता है और इसको एक और नाम भी दिया गया है जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट चार्ट यानी कि आज यदि कोई व्यक्ति सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है तो अगले आने वाले पाँच साल में जब वो व्यक्ति रिटायर हो जाएगा या वो व्यक्ति वहाँ पर उस पद को छोड़ देगा तो उसके बाद अगला कौन व्यक्ति होगा जो उस महत्वपूर्ण पद को संभालेगा या उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा तो इस प्रकार की जो योजना जो प्लानिंग जो पहले से बनाई जाती है और उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स या जो उसके लिए ऑलरेडी जो अवेलेबल जो पूल ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसमें से कौन उतना योग्य है जो उस कार्य को करेगा और आगे चल के किसमें वो पोटेंशियल है किनको उस पोजिशन को होल्ड करने के लिए तैयार किया जा सकता है इस प्रकार के जो सभी ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये सभी इस सक्सेशन प्लानिंग के तहत आते हैं इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसको जिसके तहत डिमांड फॉर लेबर उसका निर्धारण किया जाता है और ये जो निर्धारण है ये ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले जितने भी आगे आने वाले उसके जितने भी चाहे वो एक्सपेंशंस हों या चाहे उसकी जो प्रोडक्टिविटी रिलेटेड जो उसके आगे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हों या हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले समय में जो भी उसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गोल्स हैं उसके आधार पर भविष्य में कैसी उसको ज़रूरत पड़ने वाली है और जो आने वाले समय में जो चेंजेस या कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो सकते हैं उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन पहले से तैयार रहे तो ऐसी स्थिति में वो जो डिमांड है उसकी जो फ्यूचर में जो लेबर की उसको या ह्यूमन रिसोर्स की जो डिमांड उसको आएगी उसके बारे में उसको पहले से उसको निर्धारण करना और उसके लिए पहले से तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है इसके साथ ही साथ भविष्य में जो सप्लाई आएगी यानी जो एम्प्लॉयिज़ या जो कैंडिडेट्स जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे उनकी जो सप्लाई है यानी कि जो उनको प्राप्त करने का जो साधन है वो कहाँ से आएगा वो सोर्स क्या होगा उसके बारे में भी पहले से प्रिडिक्ट करना वो एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है जैसे ये जो सप्लाई है वो दो प्रकार की मुख्यतः होती है एक इंटरनल सप्लाई और दूसरी एक्सटर्नल सप्लाई और इंटरनल सप्लाई में अक्सर ये देखा गया है कि जो ट्रांसफर्स विदिन जो डिपार्टमेंट या जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में यानी एक संस्था के अंदर ही जो ट्रांसफ़र्स होते हैं उसके वजह से जो सप्लाई की जो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है उसके साथ ही साथ प्रोमोशंस यानी कि एक व्यक्ति को एक पद से उसका प्रमोट करके उसको दूसरे पद पर जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया है या इसके अलावा जो रिटायरमेंट्स वगैरह हो रहे हैं उसकी वजह से जो आने वाली जो वैकेंसीज़ होंगी या जो इस तरह की जितने भी हम कह सकते हैं कि जो खाली रिक्तियां जहां पर आएंगी तो इन सभी से जोड़ करके यानी ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये सभी घटनाएं हो रही हैं और इनके बारे में जो एच डिपार्टमेंट है वो पहले से अपनी तैयारी रखता है ताकि भविष्य में जो भी डिमांड आने वाली हो और जो पॉसिबल सप्लाई है वो किस रेशियो में आएगी इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में भी एच डिपार्टमेंट को पहले से तैयार रहना पड़ता है इसके साथ ही साथ जो एक्सटर्नल सप्लाई है जो कि मुख्यतः जो रिसेंटली जो पास आउट ग्रेजुएट्स होते हैं या जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी फ्रेश जो निकलते हैं पढ़ के एजुकेशन ले के स्किल्स को आ, आ, ग्रेस्प करके इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए अभी अवेलेबल होंगे इस तरह की जो सप्लाई आने वाली है उसको भी कंसीडर करते हैं एचआर डिपार्टमेंट और वो कोशिश करते हैं कि उस अवेलेबल पूल में से जो कि इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी उसमें से वो अपनी डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करें इसके बाद जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि एच डिपार्टमेंट के लिए एक और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है डिमांड और सप्लाई को मैच करना यानी कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग इज टू ब्रिंग टुगेदर द फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर वर्कर्स एंड द सप्लाई फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज बोथ करेंट एंड फ्यूचर तो जैसा हमने यहाँ देखा कि एच आर डिपार्टमेंट का ये एक मुख्य उद्देश्य होता है ये देखना कि भविष्य में जो उनको जरूरतें होंगी और वर्तमान में भी जो ज़रूरतें होंगी उसकी आपूर्ति वो कैसे करेंगे किस प्रकार से करेंगे और इसके लिए उनको दो मुख्य बातों का निर्धारण करना होता है एक तो उनको क्या आवश्यकता होगी और दूसरा वो उस आवश्यकता को किस प्रकार से पूर्ण करेंगे और इसके लिए उनके पास जो प्रमुख कार्य हैं वो जो चार उनको इस बारे में ध्यान रखने वाली जो बातें होती हैं उसमें पहला है उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एचआर डिपार्टमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और ऑब्जेक्टिव को उसको ध्यान में रखना होगा इस पूरे बैलेंसिंग एक्ट में साथ ही साथ मौजूदा करंट ह्यूमन रिसोर्सेज का असेसमेंट उसका मूल्यांकन एक जरूरी प्रक्रिया बन जाता है ताकि उसके आधार पर यह निर्धारण किया जा सके कि अभी मौजूदा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और हम उसको किस प्रकार से पूरा कर सकेंगे इसके बाद एक कंपैरिजन डिमांड और सप्लाई के बीच में एक कंपैरिजन की स्थिति होती है और उसके आधार पर वो यदि डिमांड जो है सप्लाई उससे अधिक है यानी कि अगर हमारी जो आज मौजूदा स्थिति है ऑर्गेनाइजेशन की उसमें हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉई हैं उस काम को करने के लिए तो हम ऐसी स्थिति में उसको डिक्रूटमेंट बोलते हैं यानी कि हम जो ज़्यादा हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हम छटनी करते हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन से निकालते हैं ताकि जो हमारा जो खर्चा है उस कार्य को करने का वो कम हो सके और यदि जो हमारी डिमांड है एम्प्लॉयज़ की वो कम है तो ऐसी स्थिति में हम नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं और उसकी सप्लाई को भी हम इंश्योर करते हैं तो ये जो पूरी प्रक्रिया है एचआर डिपार्टमेंट की यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ऑर्गेनाइजेशंस में ये कार्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि करंट और फ्यूचर दोनों ही जो डिमांड्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उनको सही तरीके से सही कैंडिडेट्स के साथ उसको पूरा किया जाना बहुत आवश्यक है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल उसका जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट है वो प्रभावित न हो और उसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा पॉजिटिवली ग्रो करे उसके लिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो बिल्कुल सही दिशा में है और वो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बेहतर बैलेंस बनाकर उस प्लानिंग को किया गया है अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस में एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो किया जाता है और ये कार्य भी अमूमन एचआर डिपार्टमेंट द्वारा ही किया जाता है और वो कार्य है जॉब एनालिसिस यानी कार्य विश्लेषण और जॉब एनालिसिस की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसके बारे में जो बेसिक जो तथ्य हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और जॉब एनालिसिस इज बेसिकली जहाँ पर हम हमें उससे ये पता चलता है कि जो कार्य है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को करने से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो हमें जॉब एनालिसिस के द्वारा ही प्राप्त होती हैं और इसके बारे में जॉब एनालिसिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है दैट जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स करेंटली बींग डन एंड द नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट इंडिविजुअल्स नीड्स टू परफॉर्म द जॉब एडिक्वेटली यानी कि संस्था में कौन से कार्य किए जाने हैं कब किए जाने हैं कहाँ पर किए जाने हैं किस स्थिति में किए जाने हैं और वो किन व्यक्तियों द्वारा किए जाने हैं और जो व्यक्ति इस कार्य को करेंगे उनके अंदर कौन से क्वालिटीज़ कौन से स्किल्स कौन सी कैपेबिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए और इसके लिए उन व्यक्तियों को या उन एम्प्लॉयीज़ को किस प्रकार से कंपनसेट किया जाएगा या उनको कितना उसके लिए सैलरी या पैकेज दिया जाएगा ये सभी जो इन्फॉर्मेशन्स हैं या ये जो सभी जो चीज़ें हैं वो निर्धारित होती हैं जॉब एनालिसिस के माध्यम से अब जॉब एनालिसिस जो है वो एक सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन है जो एक्टिविटीज़ यानी जो जो टास्क एक जॉब को करने में एक कार्य को करने में जितनी भी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ उसमें उनकी आवश्यकता पड़ती है वो उसका एक सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन यानी कि उसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है इस प्रक्रिया में और जॉब से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जो उस कार्य को पूरा करने में इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी को ध्यान दिया जाता है उन सभी को नोट डाउन किया जाता है उन सभी को ध्यान में रखते हुए उस जॉब का डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है इसके अलावा जॉब एनालिसिस इज़ अ टेक्निकल प्रोसीजर यूज्ड टू डिफाइन अ जॉब्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटीज़ यानी कि जॉब एनालिसिस एक टेक्निकल प्रोसीजर है जिसके द्वारा एक जॉब ड्यूटी में कौन कौन से कार्य किए जाने हैं उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है और एक पर्टिकुलर जॉब ड्यूटी किसी भी व्यक्ति की किसी एम्प्लॉय की जॉब ड्यूटी क्या होगी ये भी जॉब एनालिसिस के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है और साथ ही साथ वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां उस अपने उस जॉब में उसको दी जाएंगी और उसके साथ ही साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी उसकी जवाबदेही क्या होगी और उसकी जिम्मेदारी क्या होगी और उसके कार्य की रूपरेखा क्या होगी यानी उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा उस जॉब में इस प्रकार की पूरी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो जॉब एनालिसिस के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं इसके बाद जॉब एनालिसिस को पूर्ण करने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग किया जाता है वो इस प्रकार से हैं जिसमें पहली जो विधि है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड, और ऑब्जर्वेशन मेथड में हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति उस कार्य को कर रहे हैं ऑलरेडी यानी जो एम्प्लॉयीज उस कार्य को ऑलरेडी कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करके उनको देखते हुए कि वो किस प्रकार से उस कार्य को कर रहे हैं उस उस दौरान वो कौन कौन से महत्वपूर्ण जो टास्क हैं वो करते हैं या वो एक्टिविटीज हैं जिसको कि वो कैरी आउट करते हैं और उस कार्य को करने में किस प्रकार की उनको स्किल्स की आवश्यकता पड़ रही है कितना समय लग रहा है किस तरह की उनको दिक्कतें आ रही हैं कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं ये सभी डिटेल्स ऑब्जर्वेशन के थ्रू यानी ऑब्ज़र्वेशन विधि के तहत ये देखा जाता है तो ऑब्जर्वेशन मेथड एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं विधि है कार्य विश्लेषण की इसके बाद जो दूसरा मेथड है उसे कहते हैं इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड और इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो साक्षात्कार विधि है उसमें जो व्यक्ति उस कार्य को करता है यानी जो एम्प्लॉयी उस कार्य को पहले से कर रहा है उसका अनुभव उसकी उस उस कार्य के बारे में जो उसके विचार हैं जो उसका एक्सपीरियंस है उन सभी को उस साक्षात्कार के माध्यम से उनको जानने का प्रयास किया जाता है और उस व्यक्ति से उस कार्य से जुड़ी हुई जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं जितनी भी स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं जितनी भी चैलेंजेस हैं उन सभी का वहाँ पर उससे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है इसके बाद जो दूसरा जो विधि है वो है ग्रुप इंटरव्यू मेथड। और ग्रुप इंटरव्यू मेथड में किसी भी जो अभ्यर्थी है या जो यहाँ पर जो एम्प्लॉई है उस उनके एक पूल को बिठा दिया जाता है और उनसे सभी को एक दूसरे के सामने बिठा करके उनसे इस तरह के सवाल किए जाते हैं कि जो कार्य आप करते हैं उसको करने के लिए कौन कौन से स्किल्स की आवश्यकता है और उसको करने में कितना समय लगता है कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और इसको करने के लिए क्या क्या ज़रूरी जो बातों का ध्यान रखना चाहिए तो इस प्रकार के कार्य से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो डिटेल्स हैं वो इस इंटरव्यू मेथड से प्राप्त की जाती हैं यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड हैं उसके कुछ बेनिफिट्स हैं लेकिन साथ ही साथ उसमें एक नुकसान ये भी होता है कि कई बार जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उस कार्य को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ताकि उनके उस कार्य को वहाँ पर ज़्यादा महत्व तो मिल सके क्योंकि कई बार उनको ये परसेप्शन होता है कि यदि हम अपने कार्य को ज़्यादा आसान बता देंगे तो कल को हमारे कार्य की वैल्यू कम हो जाएगी इसलिए वो अपने उस कार्य को काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके या उसमें आने वाली जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको बहुत मुश्किल तरीके से बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इसको करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और इस प्रकार की कई बार वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और इसीलिए जो इसका काउंटर मेजर है वो ग्रुप इंटरव्यू है इसीलिए यहाँ पर जब कई एम्प्लॉयीज़ को साथ में बिठा करके बातचीत की जाती है उनसे इंटरव्यू किया जाता है तो ऐसे में इस प्रकार की जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है उसके आने की संभावना कम हो जाती है हालांकि ग्रुप इंटरव्यू के भी जो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ग्रुप इंटरव्यू को करना एक मुश्किल प्रक्रिया है साथ ही साथ ऐसे में कुछ जो लोग हैं कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं और जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो ये मानते हैं कि उनके लिए इस इंटरव्यू का कोई महत्व नहीं है तो वो वहाँ पर चुप रह जाते हैं और ऐसे में जो रियल जो उस कार्य को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कई बार सरफेस लेवल पर नहीं आ पाती हैं और ये ग्रुप इंटरव्यू मेथड काफ़ी टाइम टेकिंग भी है और ये खर्चीली विधि भी है क्योंकि इसके लिए आपको अपने वर्क फोर्स को वहाँ से कार्य से हटा करके उनको एक ऐसी कंडीशन में रखना होता है जहाँ वो अपना एक्चुअल कार्य नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज से प्रोडक्शन का भी कुछ हद तक लॉस होता है तो इसके आगे एक और जो इम्पॉर्टेंट विधि है जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर मेथड जिसको कहते हैं और ऐसे में यहां पर जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर मेथड है उसमें जो व्यक्ति है उस जो एम्प्लॉय है उसको इस प्रकार की उसको चेकलिस्ट दी जाती है या इस प्रकार की उसके सामने प्रश्नावली प्रस्तुत की जाती है जिस प्रश्नावली के आधार पर वो व्यक्ति वो एम्प्लॉई अपने अनुभव या अपने कार्य से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं या उनसे जो इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं उस कार्य से संबंधित वो वहाँ पर उस क्वेश्चनअर की मदद से वो वहाँ पर प्रदान करता है इसके बाद टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड ये एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जहाँ पर जो सुपरवाइजर्स हैं जो उससे संबंधित कार्य से संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं उनको वहाँ पर बिठा करके या उनसे उसके बारे में उस कार्य के बारे में उसकी जो बारीकियाँ हैं जो उसकी Uh, उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ हैं जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और उस जॉब में आने वाली जो मुख्य समस्याएं हैं उस जॉब से जुड़ी हुई जो फाइन डिटेल्स हैं उन सभी की जानकारी उनसे इस विधि में जिसको टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड कहते हैं इसमें प्राप्त की जाती है इसके बाद जो एक और विधि है जिसको डायरी विधि भी कहते हैं ये जॉब एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण विधि है और इस विधि में डायरी विधि में जो एम्प्लॉय है या जो भी व्यक्ति है जो उस कार्य को कर रहा है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि आप आज से जो भी कार्य करेंगे और इस कार्य में उस दिन आपने जो जो इम्पोर्टेंट काम किया जो जो आपको दिक्कतें आई किस प्रकार के स्किल सेट रिक्वायर्ड थे और उससे जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उन सभी को आप डॉक्यूमेंट करेंगे आज से यानी एक डायरी मेंटेन करेंगे और डेली बेसिस पे यानी कि इसको आप रोज़ अपने काम पे इसको इस डायरी को मेंटेन करेंगे और कार्य को ख़त्म होने के बाद दिन के अंत में ये डायरी आप मेंटेन करेंगे और इस प्रकार की प्रक्रिया में एक काफ़ी लंबा समय लगता है यानी जो डायरी मेथड है वो वास्तविक रूप से कहा जाए तो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और डायरी मेथड अमूमन तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम इस प्रकार के जो कार्य होते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टिपिकल काम होते हैं जैसे लीडरशिप से रिलेटेड जो कार्य हैं वहाँ पर ये देखा गया है कि यूजुअली उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स बता नहीं पाते और ना ही वो किसी अन्य विधि के माध्यम से उसके बारे में उसकी ज़्यादा डिटेल्स पता लगाई जा पाती हैं तो ऐसे में डायरी विधि एक महत्वपूर्ण इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स जो टास्क हैं या कॉम्प्लेक्स जो जॉब्स हैं उनसे संबंधित जो फाइन डिटेल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको सरफेस पे लाने में उनको समझने में डायरी विधि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है हालांकि डायरी विधि बहुत ज़्यादा समय लेती है और ये कुल मिलाकर के जो व्यक्ति जो इसको एम्प्लॉय जो मेंटेन कर रहा है उसके लिए भी इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम उसको ये मानना उसके लिए आवश्यक है कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इससे उस व्यक्ति को भी लाभ होगा आगे चल के क्योंकि अमूमन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस तरह की विधियों में पूरी सहभागिता नहीं दिखाते क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे उनको कोई पर्सनल इससे बेनिफिट नहीं होगा तो इस कारण से कई बार जो ये विधियां हैं इनमें उनकी पूरी सहभागिता या पूरा योगदान नहीं होता हालांकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेथड्स हैं जॉब एनालिसिस के इसमें कोई भी एक मेथड ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे मेथड से कोई बहुत उसकी उससे ज़्यादा बेहतर हो या कोई एक मेथड किसी दूसरे मेथड से वो खराब है या कमतर है बल्कि ये सभी मेथड्स अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जॉब सेटिंग में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में इनमें से कौन सी विधि इस्तेमाल की जाएगी जिसका कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सके ताकि कम रिसोर्सेज को खर्च करते हुए कम समय में अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर जॉब एनालिसिस कंडक्ट किया जा सके तो इस प्रकार से इनमें से किसी एक विधि या दो विधि या इन विधियों के कुछ पर्टिकुलर सेट बना करके तो ये डिपेंड करेगा उस परिस्थिति पर और उस संस्था पर और उसके एचआर डिपार्टमेंट पर और उसके अवेलेबल रिसोर्सेज पर कि वो किस प्रकार से और कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं इसके बाद हमें जो अगला हमारे पास जो अगली चर्चा है हमारी वो है ये देखना कि जॉब एनालिसिस की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं यानी उसमें कौन कौन से चरण होते हैं जिनको किया जाता है और जॉब एनालिसिस में जो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो है कि जॉब एनालिसिस के उद्देश्य को समझना यानी कि यदि जॉब एनालिसिस का उद्देश्य जो है उससे जो होने वाले जो बेनिफिट्स हैं यानी आगे चल करके जॉब एनालिसिस से क्या लाभ होंगे और जॉब एनालिसिस क्यों किया जा रहा है यदि ये स्पष्ट नहीं होगा तो जॉब एनालिसिस की जो प्रक्रिया है उसको कभी भी कोई चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो उसको सीरियसली नहीं लेंगे और ऐसी स्थिति में जो जॉब एनालिसिस है उसकी प्रक्रिया या तो पूरी नहीं की जाएगी या यदि की भी जाएगी तो बड़े ही अनमने ढंग से की जाएगी और इस कारण से जो उससे जुड़े हुए आगे जितने भी कार्य होंगे वो सभी प्रभावित होंगे इसके बाद जॉब एनालिसिस का जो अगला जो चरण है जो स्टेप है वो है एक संस्था में किसी भी कार्य का क्या महत्व है या क्या योगदान है उसको समझना यानी कि जॉब एनालिसिस जिस पर्टिकुलर जॉब का किया जा रहा है उसका उस संस्था में क्या महत्व है क्या योगदान है वो कितना ज़रूरी है उस संस्था के लिए इस चीज़ को समझना और इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है बेंच मार्क पोजिशन यानी कि उस जॉब के लिए एक पर्टिकुलर उसका उसको किस स्तर पर रखा जाएगा या उसके लिए कौन सी पोजीशन उस जॉब के लिए निर्धारित की जाएगी इसका भी जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया में ये भी निर्धारित किया जाता है उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है कि हाउ टू कलेक्ट जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन यानी कि जो जॉब एनालिसिस के लिए जो विधि जिसका इस्तेमाल किया जाएगा वो कौन सी विधि होगी जैसा कि अभी हमने अपने पूर्व इसके जस्ट अभी चर्चा की कि अलग अलग विधियां मौजूद हैं और उनमें से कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त होगी उन इन्फॉर्मेशन्स को कलेक्ट करने के लिए और साथ ही साथ उसमें से हम कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यानी कि एक मेथड या दो मेथड या दो से ज़्यादा मेथड्स का कॉम्बिनेशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और हमारे रिसोर्सेस क्या हैं तो इसके आधार पर हम वो जो जॉब एनालिसिस से संबंधित ज़रूरी सूचनाएँ हैं उसको हम एकत्रित करेंगे इसके बाद एक और ज़रूरी जो प्रक्रिया है या स्टेप है जॉब एनालिसिस में वो है क्लैरिफिकेशन यानी कि उस पूरी प्रक्रिया और उससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उनको स्पष्ट रूप से वहाँ पर बताया जाए और उस प्रोसेस से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहाँ पर बताया जाना ज़रूरी है इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ड्राफ्ट और अंत में रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट यानी कि जितनी भी सूचनाएं अभी तक प्राप्त की गई जॉब एनालिसिस के माध्यम से उसके आधार पर एक ड्राफ्ट का तैयार किया जाना यानी एक रिपोर्ट हम मान सकते हैं कि तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट में जॉब एनालिसिस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं उसमें मौजूद होती हैं और वो जो सूचनाएं हैं उसी के आधार पर वो जॉब से जो इम्पोर्टेंट जो उससे जुड़ी हुई डिटेल्स हैं वो उसी ड्राफ्ट में मौजूद होती हैं और इसके बाद उस ड्राफ्ट का रिव्यू किया जाना किसी आ, अनुभवी सुपरवाइजर से या उस कार्य को की बेहतर समझ रखने वाले किसी एक्सपर्ट से या मैनेजर से या जो भी उससे संबंधित लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे उसका रिव्यू कराना उस ड्राफ्ट का उनसे रिव्यू कराना और ये सुनिश्चित करना कि जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया है जॉब एनालिसिस का वो सही है और उसने उस जॉब की का सही विवरण वहाँ पर प्रस्तुत किया है इसके बाद हम बात करेंगे पर्पज़ ऑफ जॉब एनालिसिस की और जब हम जॉब एनालिसिस के उद्देश्य की बात करते हैं तो जॉब एनालिसिस के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिसमें प्रथम है जॉब डिस्क्रिप्शन दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन और तीसरा है जॉब इवैल्यूएशन और जो पहला जो जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कार्य विवरण जो जॉब एनालिसिस के तहत किया जाता है वो एक प्रकार की स्टेटमेंट होती है जिससे हम यह दर्शाते हैं कि उस जॉब में क्या किया जाएगा या क्या कार्य किए जाएंगे इस पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए किस प्रकार के टास्क को करना होगा और इसका जो एक कॉमन फॉर्मेट है जॉब डिस्क्रिप्शन का उसमें तीन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है सबसे पहला जॉब टाइटल यानी उस जॉब का टाइटल क्या होगा दूसरा जॉब आइडेंटिफिकेशन यानी कि वो जॉब क्या होगा उससे जुड़े हुए और तब सभी इम्पॉर्टेंट तथ्य और वो जॉब कहाँ पर किया जाएगा किस परिस्थिति में किया जाएगा किस समय पर किया जाएगा और इसके बाद जॉब ड्यूटी और इसेंशियल फंक्शंस यानी कि उस जॉब में जो कार्य किए जाने हैं जो ज़रूरी जो फंक्शंस संबंधित हैं उस कार्य से उनकी डिटेलिंग यानी कि कोई भी कार्य जो किया जा रहा है उसके जो उसमें उस एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ उसको दी जाएंगी उस जॉब के दौरान और उसको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी उसकी जवाबदेही क्या होगी ये सभी उसको उसके बारे में इन सभी डिटेल्स का वहाँ पर ब्यौरा दिया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन में इसके बाद जॉब स्पेसिफ़िकेशन और जॉब स्पेसिफ़िकेशन में हम ये देखते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन यानी कि उस कार्य को करने के लिए जिस व्यक्ति को हम हायर करेंगे या जो व्यक्ति उस कार्य को करेगा उसके पास कौन सी योग्यताएं कौन सी स्किल्स कौन सा उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कौन से अनुभव उसके पास होने चाहिए जिसके आधार पर वो व्यक्ति उस कार्य को सफलतापूर्वक करने में योग्य होगा तो जॉब स्पेसिफिकेशन इस चीज़ को दर्शाता है कि किस जो कि कार्य को करने के लिए जो एम्प्लॉय हम हायर करेंगे उसका जो क्वालिफिकेशंस होंगी वो क्या होनी चाहिए उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण जॉब एनालिसिस का जो उद्देश्य होता है वो होता है जॉब का इवेल्यूशन यहाँ पर जॉब के इवेल्यूएशन से तात्पर्य ये है कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब का एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक महत्व होता है और उसके महत्व के आधार पर ही उस जॉब का उस जॉब को करने वाले व्यक्ति को हम किस प्रकार से कंपनसेट करेंगे या उसकी हम क्या सैलरी उसको देंगे या उसके बदले में हम उसे क्या पैकेज देंगे ये उसी के आधार पर निर्धारित होगा क्योंकि उस कार्य की जो वैल्यू होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए संस्था के अंदर वो कार्य कितना महत्वपूर्ण है क्या वो किसी सीनियर मैनेजेरियल पोजीशन का कार्य है तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका महत्व ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो कोई रिसेप्शनिस्ट का जॉब है या वो कोई एक ऑफिस क्लर्क का, का काम है तो इस प्रकार के जो कार्य होंगे उनकी अमूमन हम ये देखते हैं कि जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी वैल्यू होगी वो थोड़ी कम होगी इसीलिए जो उनका कॉम्पनसेशन होगा या जो उनका जो सैलरी होगा वो कंपेरेटिवली कम होगा तो इस प्रकार से जो जॉब इवेल्यूएशन है उससे ये निर्धारित होता है कि जो व्यक्ति जो उसको कर कार्य को करेगा वो वो कार्य उस संस्था में कितना महत्व रखता है और उसी के आधार पर उसको सैलरी या कॉम्पन्सेशन प्रदान किया जाएगा तो जो पर्पज ऑफ जॉब एनालिसिस है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब इवेल्युएशन यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन जहाँ पर जॉब से संबंधित सभी बेसिक डिटेल्स कि वो जॉब कहाँ किया जाना है कब किया जाना है किसके द्वारा किया जाना है और जो जॉब को कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उसका जॉब टाइटल क्या होगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन यानी कि जो उस जॉब को करेंगे उनके अंदर कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कौन सा स्किल सेट मौजूद होना चाहिए उनकी कैपेबिलिटीज़ उसकी डिमांड क्या है उसके बाद लास्ट में जॉब इवेल्युशन यानी कि उस कार्य को जो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटिव वैल्यू क्या है और उसी के आधार पर उनका कॉम्पन्सेशन या सैलरी डिसाइड होता है तो इस प्रकार से ये पर्पज़ ऑफ़ जॉब एनालिसिस की हमने यहाँ पर चर्चा की इसके बाद कुछ और इससे जुड़े हुए एक दो तथ्य हैं जिसकी हम चर्चा अपने अगले सत्र में करेंगे जो कि एक जॉब एनालिसिस किस प्रकार से किसी भी संस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इसकी हम अपने अगले सत्र में जो कि सत्र नंबर चार यानि लेक्चर नंबर फोर होगा और वो भी इसी के क्रम में यानी साइकोलॉजी इन ऑर्गेनाइजेशंस साइकोलॉजी इन इंडस्ट्रीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस भाग तीन पार्ट थ्री जो है उसमें हम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम अपने अगले टॉपिक की भी वहाँ पर चर्चा करेंगे तो आज के अपने इस सत्र को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद